नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामले में सभी कार्रवाइयों पर बुधवार को रोक लगा दी और केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार औपनिवेशिक युग के कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अकले की बुधवार को तड़के वेस्ट बैंक में गोली लगने से मौत हो गई। उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन कस्बे में इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान हुई गोलीबारी में शिरीन अबू अकले की मौत हुई। उस समय वह रिपोर्टिंग के लिए मौके पर मौजूद थी। भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत अपने सैनिकों को श्रीलंका भेजेगा। साथ ही उच्चायोग ने कहा कि द्वीपीय देश के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में देश सबसे ऊपर है और वह वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, बल्कि रचनात्मक तरीके से उच्च लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ते हुए सबसे बेहतरीन परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। विश्व शक्तियों के साथ ईरान के परमाणु समझौते पर रुकी हुई वार्ता को लेकर यूरोपीय आयोग के दूत के यहाँ यात्रा पर आने के बीच ईरानी खुफिया मंत्रालय ने बताया कि उसने दो यूरोपीय नागरिकों को हिरासत में लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने बुधवार को कहा कि वह पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के वायदे के बारे में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते रहेंगे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी की एक अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अपने खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से स्थायी छूट की मांग की है। जमीन हड़पने के मामले में अपनी जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ज्योति राजी ने साइप्रस में चल रही इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में 100 मीटर बाधा दौड़ में 13.23 सेकंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए जीत दर्ज की। ऊंची कीमतों के कारण वैश्विक मांग की कमी के चलते भारत से अप्रैल के दौरान सोया खली का निर्यात करीबन 65% घटकर महज 40,000 टन रह गया है। अप्रैल 2021 में देश से 1.15 लाख टन सोया खली का निर्यात किया गया था। नमस्कार।